हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हमारी डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे, जिसमें हम बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस करते हैं जेट आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास तो एक बार क्लास का शेयर मार दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स जुड़ जाए। अभी हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस, ठीक है। सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए आपके सामने है। क्वेश्चंस है, लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं कहलाते हैं। लक्षण जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शंस है लिंग प्रभावित, लिंग संलग्न, लिंग समिति, इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए। लक्षण जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं कहलाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लिंग संलग्न, यानी बी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा, लिंग संलग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं। किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं। ऑप्शंस है जीनोटाइप, फिनोटाइप्स, समयुग्मक, विषमयुग्मक। बताइएगा सेकंड नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सभी का आंसर आना चाहिए, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को क्या कहेंगे। सेकंड क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। तो सेकंड में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फिनोटाइप, यानी बी ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति कहलाते हैं। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन है क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नन ऑफ दीच। बताइएगा थ्री नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सभी का आंसर आना चाहिए, 21वीं जोड़ी के क्रोमोसोम्स के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, यानी बी ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा, डाउन सिंड्रोम। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम का कारण है। टर्नर सिंड्रोम का कारण है, ऑप्शंस है पॉलीफ्लोइडी, ऑटोसोमी, एन्यूफ्लोइडी, बिंदु उत्परिवर्तन, लिंग सूत्र, एन्यूफ्लोइडी। बताइएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए, जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास तो एक बार क्लास का शेयर मार दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स जुड़ जाए, सभी को क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है ना। डेली क्लास रहती है अभी अपनी सुबह 10 बजे। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लिंग सूत्र एन्यूफ्लोइडी, ठीक है ना। लिंग सूत्र एन्यूफ्लोइडी, यानी डी ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लिंग संलग्न वसांगति के खोजकर्ता थे। लिंग संलग्न वसांगति के खोजकर्ता थे मॉर्गन, मैकलंक, लेड स्टिनर, मेंडल। बताइए फाइव नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। लिंग संलग्न वसांगति के खोजकर्ता कौन थे भी, सभी का आंसर आना चाहिए। फाइव नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा भाई। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं, 11 जुलाई को आपका मॉडल पेपर होगा, जेट का सेकंड मॉडल पेपर, ठीक है ना। सुबह 10 बजे लाइव टेस्ट रहेगा, 11 जुलाई सुबह 10 बजे आपका जेट का सेकंड मॉडल पेपर होगा। क्लियर है। फाइव नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा मॉर्गन, ठीक है ना। मॉर्गन है वो लिंग संलग्न वसांगति के खोजकर्ता है, ए ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की अनुवांशिकी का नियंत्रण करता है? बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की वशांगति का किस लक्षण की अनुवांशिकी का नियंत्रण करता है? ऑप्शन है वर्णांता, रुधिर वर्ग, हंसिया का रुधिराणु, एनीमिया, फिनाइल किटोरनूरिया। बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की अनुवांशिकी का नियंत्रण करता है? सभी का आंसर आना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा बताइएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रुधिर वर्ग, ठीक है ना। रुधिर वर्ग आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं, ये पिंड किससे संबंधित है? ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में बार पिंड देखे जाते हैं, ये पिंड किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन है एक्स क्रोमोसोम नर लिंग से, वाई क्रोमोसोम से या ऑटोसोम से। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर बताना है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक्स क्रोमोसोम, यानी ए ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा। बार पिंड देखे जाते हैं और वो बार पिंड है वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटिव होते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे, क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे वोल्डेयर, अल्टमान, सेंगर, बेनिडेन। बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या रहेगा, क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता थे। सभी का आंसर आना चाहिए भाई 8 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा वोल्डेयर, यानी ए ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा, ठीक है ना, वोल्डेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, एलीलस का पृथककरण किस प्रक्रिया में होता है? एलीलस का पृथककरण किस प्रक्रिया में होता है? ऑप्शन है ससेंचन, पारगमन, अर्धशूत्र, विदलन। बताइएगा 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा भाई, एलीलस का पृथककरण किस प्रक्रिया में होता है, कौन सी प्रक्रिया में होता है, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। आपकी फिजिक्स की क्लास भी लग रही है भाई, आपकी इंक्वायरी के लिए बता दूं कि आपकी फिजिक्स की क्लास भी लग रही है, 10:30 पे लगेगी, डेली क्लास है आपकी, 20 क्वेश्चंस उसमें आपको करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना, फिजिक्स में जेट आईसीआर बीएचयू और आरपीवीटी के लिए, सभी के लिए है फिजिक्स के क्वेश्चन, ओके। शाम 7 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास लगी रही है, सुबह 8 बजे आपकी राजस्थान जीके की क्लास लग रही है और 10 बजे आपकी डेली क्लास रहती है बायोलॉजी की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आंसर दीजिए भाई, एलीलस का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? तो आपका राइट आंसर होगा अर्धसूत्रण में होता है, ठीक है ना, अर्धसूत्रण में होता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सभी फ्रेंड्स का क्लियर है यहाँ तक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है एंटी सीरम एक सीरम होता है, एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं एंटीजेंस, एंटीबॉडी, श्वेत रुधिराणु, नन ऑफ दीज। बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा, एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं
सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए, भी जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए। और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास तो एक बार क्लास का शेयर मार दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एंटीबॉडी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनाइल किटोनूरिया नामक रोगाणु में, फिनाइल किटोनूरिया नामक रोगाणु में ऑप्शंस है उत्कों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है, उत्कों में फिनाइल एलेनिन घट जाती है, या मूत्र में शर्करा जाने लगती है, या मूत्र में जेंटिसिक अम्ल जाने लगता है। बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। फिनाइल किटोनूरिया नामक रोग में क्या होता है, भाई फिनाइल किटोनूरिया रोग होता है उसमें क्या होता है बताना है। 11 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। सभी का आंसर आना चाहिए। तो 11 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा उत्कों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है, ठीक है ना। फिनाइल किटोनूरिया नामक रोग में उत्कों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। क्लियर है यहाँ तक, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होती है। अभी रंजकहीनता है वो जन्मजात होती है और यह किस एंजाइम की कमी से होती है। ऑप्शंस है कैटेलेज, टायरोसिनेज, फ्रक्टोकाइनेज, कैंथिन ऑक्सीडेज। बताइए 12 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होती है। सभी का आंसर आना चाहिए, भी राइट आंसर बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चंस में। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टायरोसिनेज, ठीक है ना। टायरोसिनेज बी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है एक वर्णांध पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है लेकिन फिर भी इस लड़की का पुत्र वर्णांध हो सकता है। एक वर्णांध पुरुष की लड़की या पुत्री सामान्य हो सकती है लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्णांध हो सकता है। ऑप्शंस है एक्स क्रोमोसोम पर और प्रबल होता है, वाई गुणसूत्र पर और प्रबल होता है, या एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है, या वाई गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। सभी फ्रेंड्स का आंसर आना चाहिए, भी जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तेरह नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मानव में क्रोमोसोम्स की वास्तविक स्थिति होती है, मानव में क्रोमोसोम्स की वास्तविक स्थिति होती है। ऑप्शंस है 22 ऑटोसोम्स और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। 21 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, केवल 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। बताइए अभी 14 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्रोमोसोम्स को यानी गुणसूत्र होते हैं उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक का ऑटोसोम्स हो गया और एक हो गया सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। ऑटोसोम्स और लिंग गुणसूत्र, इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब ऑटोसोम्स होते हैं उसमें तो 22 जोड़ी होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं उसमें तो क्रोमोसोम 22 जोड़ी होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक जोड़ी होता है। बात आ गई ना समझ में, क्लियर हो गया है यहाँ तक। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चंस में आंसर दीजिएगा।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन में, वो हो जाएगा 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकते हैं, बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकते हैं। ऑप्शन है ए एवं ए बी, ओ एवं बी, ओ एवं ए बी, बी एवं ए बी। बताइएगा अभी 15 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। बी रुधिर वर्ग का कोई रोगी है तो उसको रक्त चाहिए। अब बताइएगा कौन सा रुधिर वर्ग ऐसा है जो बी रुधिर वर्ग को रक्त दे सकता है। तो 15 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओ और बी। ओ तो पहले से ही सर्वदाता होता है, सभी को देने वाला होता है, तो ये तो सभी को ही देगा। और एक हो जाएगा बी जो स्वयं यानी बी बी को दे सकता है, ठीक है ना, और ओ सार्वत्रिक दाता होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं, अनुवांशिक लक्षणों के जीन समूहों को कहते हैं एलिलस, फिनोटाइपस, जीनोटाइपस, पर्बल जीन। बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सभी का आंसर आना चाहिए। सोलह नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जीनोटाइपस, ठीक है ना, सी ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा जीनोटाइपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन होता है 17 नंबर और आपके सामने है, क्वेश्चन है लिंग सहलग्न वसांगति को पहचानने की विधि हो सकती है, लिंग सहलग्न वसांगति को पहचानने की विधि हो सकती है। ऑप्शन है पुत्र माता के और पुत्रियाँ पिता के समान हो, पुत्र और पुत्रियां पिता के समान हो, पुत्र पिता के और पुत्रियां माता के समान हो, पुत्र और पुत्रियां माता के समान हो। बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा भाई। लिंग सहलग्न वसांगति को पहचानने की विधि हो सकती है, सभी का आंसर आना चाहिए 17 नंबर क्वेश्चन में। बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी आपके लिए है ना, डेली क्लास रहती है सुबह 10 बजे बायोलॉजी की, 20 क्वेश्चंस डेली करते हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ये आपके लिए मेहनत हो रही है ना, डेली मैं आपके लिए क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है क्लास को लाइक करने का, शेयर करने का, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का। 17 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान हो, यानी ए ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग हो तो संतानें कैसे कौन से वर्ग की होगी। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहली वाली क्लासें अगर आपने देखी है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे पाओगे, यानी पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का रुधिर वर्ग बी है, तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतानें हैं उसका रुधिर वर्ग कौन सा होगा भाई। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अठारह नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए या फिर बी, ठीक है ना, ए या फिर बी होगा, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना, ए या फिर बी, लगभग संभावना ये रहती है ए या बी होने की, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त है और माता है हिट्रोजाइगस से ग्रस्त है तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी भाई। एक बालक के पिता तो हीमोफीलिया ग्रस्त है और जो माता है वो हिट्रोजाइगस से ग्रस्त है, तो उससे जो उत्पन्न संतान है उनमें हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितने प्रतिशत बढ़ जाती है, 0%,
50%, 75% और 100%। बताइएगा 19 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। ये भी क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है बहुत बार पहली वाली क्लासों में। तो 19 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा 75% है वो संभावना बढ़ जाती है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होती है। खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होती है। ऑप्शन है नर व मादा गधों की, गाय और बैल की, नर व मादा घोड़ों की, या घोड़ी और गधे की। बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या रहेगा। खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होती है। सभी का आंसर आना चाहिए, भी जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चंस में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा घोड़ी और गधे की, यानी डी ऑप्शन यहां पे आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं तो सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, ताकि सभी फ्रेंड्स क्लास को लाभ ले सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट क्लास लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद जय भारत।